नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे असेसमेंट सेल पोर्टल के माध्यम से आपको पेपर बनाना है, पेपर किस प्रकार बनाना है, पेपर बनाने की प्रोसेस क्या है, यानी कि इसके पोर्टल के माध्यम से आप सभी कक्षाओं के, सभी विषयों के, किसी भी पार्ट के या किसी भी चैप्टर का पेपर आसानी से बना सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आप पेपर तैयार कर सकते हैं और आंसर की भी आपको मिल जाएगी, यानी कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कम्प्लीट पूरा वीडियो जरूर देखें। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल या लैपटॉप में जिसमें भी आप कर रहे हैं, आपको जो सर्च बार है ब्राउज़र का, उसमें असेसमेंट सेल पोर्टल नाम से सर्च करना है। तो आपको पहला ही पोर्टल मिलेगा RSCERT असेसमेंट सेल के नाम से, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस प्रकार असेसमेंट सेल के नाम से ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको 3 लाइन नज़र आ रही है। देखिए इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है लॉगिन नाउ का। देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन नाउ का, इसी लॉगिन नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही लॉगिन कर रखा है तो इसको यहाँ पर लॉगिन स्टेटस को लॉगआउट कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए लॉगिन पेज नज़र आएगा, लॉगिन RSCERT, यानी कि आपको इसको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर यूजर आईडी आपको फिल करनी है, पासवर्ड फिल करना है। यूजर आईडी आपको और पासवर्ड आपको जो स्टाफ लॉगिन जो आपकी हैं, मिसाल आधार पर स्टाफ लॉगिन जो आप करते हैं वही आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करने हैं, यानी कि मिसाल आधार पर स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। यहाँ पर स्टाफ विंडो पासवर्ड ही आपको जो है लगाने हैं, वो अच्छे से आप यहाँ पर लगा के लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर भर दिया है आईडी और पासवर्ड, स्टाफ लॉगिन की फिल कर दिए हैं। RSCERT लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने देख के आपका यहाँ पर जो RSCERT असेसमेंट सेल जो लॉगिन है वो यहाँ पर हो जाती हैं। यहाँ पर आपको ऊपर कुछ ऑप्शन नजर आएंगे, होम है, यूजर प्रोफाइल है, असेसमेंट सेल प्रोफाइल है और शिक्षक सहायक चीज़ें, यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स आपको नज़र आती है। नीचे चलेंगे तो वेलकम में आपको काफ़ी सारी डिटेल्स नज़र आएगी, जैसे कि देखिए लॉगिन यूजर्स हैं, आपकी पूरी डिटेल आपकी स्टाफ लॉगिन से यहाँ पर ले लेगा, और टोटल टास्क, टोटल पेंडिंग वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको क्वेश्चन अपलोडेड आपने कितने किए हैं उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी, क्वेश्चन रिजेक्टेड कितने किए हैं, क्वेश्चन अप्रूव्ड कितने किए हैं और क्वेश्चन पेंडिंग कितने, इस प्रकार आपको यहाँ पर होम पेज पर ही काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। टोटल क्वेश्चन इन सब्जेक्ट वाइज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर होम पेज पर देख सकते हैं। तो देखिए अब करना क्या है आपको, तो यहाँ पर देखिए आपको 3 लाइन नज़र आ रही है, इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएंगे, डैशबोर्ड का है, क्वेश्चन स्टेटस है, और देखिए यहाँ पर रिपोजिटरी मास्टर्स का ऑप्शन आपको नज़र आता है, डैशबोर्ड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब आपको जो कार्य करना है वो देखिए इसी ऑप्शन में करना है, जो रिपोजिटरी मास्टर कार्य हैं इसी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन आपको नज़र आता है टाइटल का, तो आपको यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसका टाइटल आपको देना होगा, इसी टाइटल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो टाइटल मास्टर में डेट टू डेट यानी कि डेट बननी है, कब से कब तक, यानी कि आप यहाँ पर वही डेट डाल दें, जैसे कि मान लीजिए मैं आज की तारीख डाल देता हूँ, 31 तारीख मेरी यह है, तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। एंड डेट में भी वही डेट में यहाँ पर सेट कर देता हूँ, देखिए वही तारीख मैंने फिल कर दी है। आप कोई सी भी तारीख यहाँ पर फिल करके जो है कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पासवर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर अब बनेगा उसके आपके जो है पासवर्ड बेस रहेगा, यानी कि आप उस क्वेश्चन जो है पेपर हैं उसको तभी खोल पाएंगे जब आप उसमें पासवर्ड लगा देंगे। वो पासवर्ड आपको यहाँ पर सेट करने हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखिए जितने भी क्वेश्चन पेपर आप बनाते हैं उन सबके एक ही पासवर्ड रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको जो है क्वेश्चन पेपर उसको निकालना पड़े तो आप वो पासवर्ड डालें और आसानी से वो आपके सामने ओपन हो जाए। तो यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लें, कोई भी 3, 4, 5 अंकों के आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 अंकों के पासवर्ड बना लिए हैं, यानी कि जो मेरी PDF आएगी उसको प्रोटेक्ट पासवर्ड मैंने कर दिया है, ये पासवर्ड वहाँ पर यूज किए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर आपको टाइटल नेम लिखना है, टाइटल नेम आपको जिस भी विषय का पेपर बनाना चाहते हैं उस विषय के सब्जेक्ट का नेम आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं हिंदी बनाना चाहता हूँ तो हिंदी लिख दूंगा, मैथ्स है या इंग्लिश है, कोई भी सभी सब्जेक्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपको नज़र आता है, सेव आपको कर देना है, यानी कि देखिए यहाँ पर रिपोजिटरी टाइटल सेव सक्सेस
डिस्प्ले आपको बता देगा, यानी कि ये चीज़ें यहाँ पर सेव हो चुकी हैं। अब देखिए साथियों, जो आपने चीज़ें सेव की हैं वो यहाँ पर दिनांकवार आपको नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको डेट्स नज़र आ जाएगी, टाइटल नेम यानी कि सब्जेक्ट आपने क्या लिए थे वो नज़र आ जाएंगे। एडिट अगर आपको करना है तो यहाँ से एडिट हो जाएगा, डिलीट अगर आपको करना है तो यहाँ से डिलीट भी आप कर सकते हैं, यानी कि पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर ही नीचे नज़र आ जाएगी। अब देखिए साथियों, आपने ये काम कर लिया है यानी कि टाइटल आपने दे दिया है। अब आपको क्वेश्चन असाइन करने यानी कि आपको पेपर बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन असाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा। देखिए अब देखिए जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपके सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको टाइटल सेलेक्ट करना होगा, जो टाइटल आपने वहाँ पर बनाए हैं उस टाइटल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। देखिए जो यहाँ पर नीचे से टाइटल चलेंगे यानी कि फर्स्ट में आपने बनाया होगा ये है, लास्ट वाला ऊपरी ऊपर आपको नज़र आएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया क्योंकि मैंने लेटेस्ट यही बनाया है। इसके बाद देखिए आपको मीडियम सेलेक्ट करना है कि कौन से मीडियम का आपको पेपर बनाना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। दो ही मीडियम में यहाँ पर अभी आपके सामने अवेलेबल हैं। मान लीजिए मुझे हिंदी मीडियम में ही बनाना है तो हिंदी मीडियम पर मैं क्लिक कर दूँगा, थोड़ा सा ये प्रोसेस लेता है। इसके बाद आपको स्किल्स की बात करनी है तो स्किल्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑल स्किल्स ऑलरेडी मिलता है आपको। आप चाहे तो यहाँ पर स्किल चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारी स्किल्स यहाँ पर दे रखी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल स्किल्स आप कर लें या आप चाहे तो अलग अलग स्किल्स भी ले सकते हैं। आपको अलग अलग स्किल्स का अगर बच्चों को कराना है ट्रेनिंग, उनका पेपर क्वेश्चन सोल्व करवाने हैं तो आप अलग अलग स्किल ले लें या आप ऑल स्किल भी ले सकते हैं। मैं अभी डेमो के रूप में आपको ऑल स्किल के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन टाइप आपको लेने हैं तो देखिए अभी ऑल क्वेश्चन टाइप यहाँ पर सेलेक्ट है। आप चाहे तो यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन टाइप भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खालिस्तान कैसे भरे, मैच द फॉलोइंग है, काफ़ी सारे एमसीक्यू हैं, देखो काफ़ी सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो ऑल क्वेश्चन टाइप यहाँ पर ले सकते हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इसके बाद देखिए डिफ़िकल्टी लेवल आपका देख लें कि बच्चों का डिफ़िकल्टी लेवल आप ईजी रखना चाहते हैं, मॉडरेट रखना चाहते हैं या डिफ़िकल्टी रखना चाहते हैं, या आप ऑल कैटेगरी आप इसमें लेना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग आप देख लें। मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑल लेवल लेना चाहता हूँ। इसके बाद देखिए क्लास का नेम आपको सेलेक्ट करना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सारी कक्षाएं आपको 1 से 12 तक मिल जाएगी। देखिए जिस भी कक्षा का आप पेपर बनाना चाहते हैं इजीली यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं छोटी क्लास की बात करूँ तो कक्षा 5 की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्लास नेम आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट नेम, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस सब्जेक्ट का आप बनाना चाहते हैं। तो हमने ऊपर मैथ्स का ही टाइटल दिया था तो हम मैथ्स का ही पेपर बनाना चाहते हैं, तो आप देख लें जो भी आप पेपर बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो भी क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए मैं मैथमेटिक्स गणित का ही पेपर बनाना चाहता हूँ तो थोड़ा सा वही प्रोसेस लेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चैप्टर नेम। अब आप चाहे तो यहाँ पर ऑल चैप्टर ले सकते हैं या जो कक्षा 5 में मैथमेटिक्स में चैप्टर हैं उसके सारे चैप्टर यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए पहले चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक जितने भी हैं वो सारे आपको नज़र आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि एक एक चैप्टर के मुझे क्वेश्चन पेपर बनाने हैं तो आप एक एक चैप्टर के बना सकते हैं। और मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे ऑल चैप्टर का ही एक पेपर बनाना है तो उसका भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। अलग अलग चैप्टर का भी आप चाहें तो जब भी साप्ताहिक आप रूप से आप पेपर करा सकते हैं, तो यहाँ पर साप्ताहिक रूप से टॉपिक जो भी आपने पढ़ाया है या जो आपने पाठ पढ़ाया है उसको आप सेलेक्ट करके उसका क्वेश्चन पेपर बना के बच्चों से करवा सकते हैं। और ऑल चैप्टर भी आप ले सकते हैं, अभी मैं ऑल के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए आपने जो चैप्टर लिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑल टॉपिक्स भी आपको नजर आ जाएंगे। देखिए ऑल टॉपिक्स नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक है। अगर मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट में ये चैप्टर लिया है संख्या ज्ञान, तो देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए टॉपिक नेम भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए मैंने संख्या ज्ञान यहाँ पर लिया है, इनकी नंबर संख्याएं ली हैं, तो यहाँ पर देखिए अब आपके सामने और भी चीज़ें आ चुकी हैं कि किस प्रकार की संख्या ज्ञान आप करवाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो आप सेलेक्ट कर लें जो भी आपकी स्थिति है। अभी मैं मान लीजिए यहाँ पर वही ऑल ही रखना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑल ले लिया है। इसके बाद देखिए लर्निंग आउटकम्स की बात करें तो अभी देखिए ऑल लर्निंग नेम आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक मिलते हैं। यहाँ पर लर्निंग लेवल जो है, लर्निंग आउटकम्स हैं, आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं, यानी कि सब तरीके से आप यहाँ पर पेपर को बना सकते हैं। अभी मैं ऑल ही रहने देता हूँ, आप चाहे जो भी सब्जेक्ट है, जो भी विषय हैं या जो भी कक्षा है उसके अलग अलग आएंगे तो अलग अलग स्थिति के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ये सब करने के बाद आपको सर्च करना है, यानी कि पहले स्टेप आपकी सर्च है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी जानकारी, जो भी सब्जेक्ट आपने भरा है या जो भी क्लास आपने भरी है उसकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ऑल चैप्टर जो आपने फिल किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सर्च हो जाएगा।
अब देखिए, आपने जैसे सर्च किया तो यहाँ पर आप देखिए दो ऑप्शन आपको सबमिट व्यू मिल जाते हैं। अब इनके बाद में बात करेंगे। अब नीचे देखिए तो टोटल क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर के जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग, कक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे ऑल क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आप नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर मोर पर आप क्लिक करेंगे तो मोर क्वेश्चन भी आपको नज़र आएंगे। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पर देखिए टॉपिक्स चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करके डिटेल्स भी कर सकते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको ऑल क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ पर ऊपरी आपको टिक बॉक्स नज़र आता है, इसी टिक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि ऑटोमेटिक मैंने ऊपर ऑल पे किया और सारे यहाँ पर सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन थे वो सब सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मान लीजिए आपको ऑल नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है कि ये क्वेश्चन मेरे पेपर में रहने चाहिए, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे टिक बॉक्स है इस पर टिक बॉक्स पर क्लिक किया, ऐसे दूसरा क्वेश्चन आपको लगता है वो ले लें। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन आप रखना चाहते हैं वो सब आप एक एक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन हैं आप सेलेक्ट करेंगे वो सब यहाँ पर आपको जो है मिल जाएंगे। अब देखिए साथियों, मैंने मेरे जो स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग पेपर बना लिया है। अब आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए हैं वो आप सबमिट यहाँ पर कर दें। इजीली सिस्टम है ये, थोड़ा सा प्रोसेस बताने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए आपको लग रहा है कि वीडियो लंबा है या प्रोसेस लंबी है, कुछ भी प्रोसेस लंबी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सेलेक्ट वगैरह करना होता है। तो यहाँ पर ये सबमिट हो चुका है, देखिए क्वेश्चंस असाइन सक्सेसफुली हो चुका है। अब देखिए आपने जो भी सिलेक्ट किया है उसको आप यहाँ पर व्यू करेंगे। देखिए व्यू पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका सबमिट हो चुका है। अब आपको व्यू करना है तो जो भी क्वेश्चन आपने बनाए हैं वो सारे आपके सामने नज़र आ जाएंगे। देखिए मैथ्स यहाँ पर नज़र आ चुका है और जितने भी क्वेश्चन आपने लिए थे उन सबकी डिटेल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे, ये सब यहाँ पर आपके सामने 10 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे सभी यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए इसके पीछे आपको डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाता है कि मान लीजिए आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलती से आ चुका है, ज़्यादा आ चुका है, कम करने हैं, तो आप यहाँ से डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। देखिए जैसे डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, मैं आपको करके भी बता देता हूँ। जैसे आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या ओके पर आप क्लिक कर देंगे तो वो डिलीट यहाँ पर हो चुका है। तो इस प्रकार वो डिलीट में चला गया, पहले 10 क्वेश्चन थे, अब यहाँ पर 9 ही रह चुके हैं। इसके बाद आपको ऊपर चलना है, आपको लग गया पेपर सही है, अब आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू फाइनल सबमिट दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी एडिटेबल, यानी कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने ओके पर क्लिक किया तो आपने जो पेपर बनाया उसकी डेट आ चुकी है, क्वेश्चन आ चुके हैं, टाइटल यहाँ पर आ चुका है, मीडियम यहाँ पर आ सकता आ गया है और यूजर नेम जो भी आपका है, आपकी स्टाफ लॉगिन से हो रहा है तो, और मोबाइल नंबर भी आपका यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स नज़र आ जाएगी। अब देखिए जैसे आपने ये कर लिया है, अब आपको फिर से यहाँ पर देखिए इसी रिपोजिटरी मास्टर वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर नीचे अब आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है सर्च प्रिंट का, इसी सर्च प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो डेट ली थी वो डेट आपको यहाँ पर फिर से फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 31 ही की थी तो 31 आ जाएगी, फिर से यहाँ पर 31 मैंने की थी और गो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो जो पेपर आपने बनाया है देखिए वो डेट आ चुकी है, क्वेश्चन उसमें आ चुके हैं और टाइटल यहाँ पर आ चुका है, मीडियम, यूजर नेम, मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पर प्रिंट लेना है तो प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसी पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब देखिए आपकी पीडीएफ यहाँ पर आई है तो यहाँ पर देखिए दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड, यानी कि इसमें पासवर्ड आपने लगाए थे वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो देखिए मैंने वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दिए, आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने ओपन पर क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके सामने पेपर बन के आ चुका है, यानी कि पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, आगे भी और भी जानकारी है। तो देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स जो हमने क्लास 5 का बनाया था उसका पूरी डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ रही है, वो सारे क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए इस प्रकार आप इनसे बच्चों से करवा सकते हैं, एक एक नंबर का इनका क्वेश्चन रखे गए हैं, इस प्रकार पूरे 9 क्वेश्चन आपको नज़र आ जाएंगे। अब आंसर की बात करते हैं तो नीचे आपको आंसर की भी इसकी मिल जाती है, देखिए आंसर की भी यहाँ पर हुई है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आपने बनाया है उसके आंसर की भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो आंसर भी आपको यहाँ पर इसके ही अंतिम पेज पर आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार ये पूरी पीडीएफ आप यहाँ पर इस प्रकार जो है पेपर बना सकते हैं, उसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार पेपर बनाने की प्रोसेस रहेगी।
इस प्रकार साथियों, आप यहाँ पर जो अन्य कक्षाएं हैं, अन्य विषय हैं, उन सबके यहाँ पर पेपर आसानी से बना सकते हैं। इसकी तीन प्रोसेस आपको कर लेनी है। दूसरा, यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन स्टेटस वाला था, ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो अब इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन स्टेटस में आपके जो भी क्लास मैपिंग है, जो भी सब्जेक्ट मैपिंग है, उसके टोटल क्वेश्चन आपको देखना है। तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए मीडियम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मीडियम जैसे ही, मान लीजिए हिंदी इंग्लिश आपने जो भी कर लिया, स्किल्स वगैरह सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको लेने हैं। क्लास की बात करें तो यहाँ पर आपको एक क्लास सेलेक्ट कर लेनी जो भी आपके मैपिंग है। जैसे मान लीजिए मेरे कक्षा 5 मैपिंग है, कक्षा 1 से 5 तक जो भी मैपिंग है, वो सारी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली हैं और गो पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट मैपिंग है, उसके सारे क्लास से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए टोटल कितने क्वेश्चन है वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और पूरे यहाँ पर आपको क्वेश्चन की पूरी लिस्ट नज़र आ जाएगी। आप चाहे तो यहाँ से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन की पूरी जानकारी भी आपको दी हुई है। देखिए उनके आंसर तो दिए हुए हैं, साथ में यहाँ पर देखिए क्लास 5 हैं, हिंदी है, रिमेंबरिंग, एमसीक्यू, मोटरेट, यानी कि पूरी जानकारी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड दी गई है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, किस प्रकार का स्तर है, सारी चीज़ की यहाँ पर बताई गई है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन बुकलेट हैं आपके सब्जेक्ट मैपिंग और क्लास मैपिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो ये थी साथियों यहाँ पर RSCERT जो असेसमेंट सेल पोर्टल है, आपको इसके माध्यम से पेपर बनाना है, आंसर की प्राप्त करनी है, उसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो हमें कमेंट करके बताएं, उसका हम पूरा समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।